सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति, और मैं हूँ आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, आज कुक विद स्मृति में बारी है एक बहुत ही सिंपल से लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स से भरे हुए वीडियो की। हम सभी की फेवरेट होती है चाय, पूरे साल ही हम चाय पीते हैं, और खासकर सर्दी के मौसम में अदरक वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। लेकिन हर किसी की अदरक वाली चाय में एक जैसा स्वाद नहीं आता, ये फर्क आता है दोस्तों बनाने के तरीके से। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस रेसिपी में मैं बताने वाली हूँ अपनी सारी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स। तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से ताकि आपकी अदरक वाली चाय भी बने बेस्ट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो देखना। लेकिन अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अदरक वाली चाय। दोस्तों, चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब मैं 2 कप चाय बनाने जा रही हूँ, तो इसमें डालूंगी 1 कप पानी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कप यूज किया है, और 1/4 कप पानी मैं एक्स्ट्रा डालूंगी, क्योंकि हमें पानी को अच्छे से बॉईल करना है। अच्छी चाय बनाने के लिए, टेस्ट अच्छा लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो। तो मैंने 1/4 कप एक्स्ट्रा डाला है, तो टोटल मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है, और तब तक हम इसमें बाकी सारा सामान डालेंगे। तो चूंकि हम बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाली अदरक वाली चाय बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ टिप दे दूं। तो दोस्तों, बेहतरीन स्वाद की अदरक वाली चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक बढ़िया फ्रेश अदरक लीजिए, और एक चीज़ याद रखिए, अदरक को मैंने धो लिया है। अक्सर लोग अदरक को छील कर डालते हैं, इसके छिलके में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो मैं अपनी चाय में कभी भी इसको छील कर नहीं डालती हूँ। तो हमें इसको छील कर नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है। 2 कप चाय बनाने के लिए दोस्तों हम एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 कप चाय के लिए मैं इतना टुकड़ा ले रही हूँ, और मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। दोस्तों, चाय में बेहतरीन स्वाद लाने के लिए इस अदरक को बहुत अच्छे से कूटना भी बहुत जरूरी है, तो इसको बहुत बारीक और अच्छे से कूट लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको कितना अच्छा बारीक कूट लिया है। काफ़ी लोग अदरक को कद्दूकस करके डालते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप बहुत ही अच्छा अदरक का स्वाद चाहते हैं तो अदरक को इस तरह कूट कर डालिए, और जितना अच्छा आप कूटेंगे, इसका पूरा जूस निकला है, उतना ही अच्छा आपकी चाय में फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसको चाय में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने चाय में अदरक डाल दी है। हमने सबसे पहले अदरक इसलिए डाली है ताकि इसका बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्वाद इसमें आ जाए। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं चाय पत्ती। ध्यान रखिए कि मैं चाय पत्ती जब डाल रही हूँ तो मैंने टेबल स्पून को बहुत ज़्यादा नहीं भरा है, और चाय पत्ती का टेस्ट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी खोलने से पहले चाय पत्ती ना डालें। खोलते हुए पानी में जब हम चाय पत्ती डालते हैं तो अच्छा रंग और स्वाद आता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी, 2 टेबल स्पून चीनी मैं अच्छे से भर के डाल रही हूँ, चाय पत्ती की तरह कम नहीं। चीनी भी पूरी तरह आपके स्वाद पर निर्भर करती है, अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं तो थोड़ा बहुत चीनी को आप बढ़ा सकते हैं। तो अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और अच्छे से इस पानी को खोलने देंगे। तो मीडियम गैस पे 3-4 मिनट तक मैं पानी को बहुत अच्छे से खोलाऊंगी ताकि चाय पत्ती का रंग और स्वाद बहुत अच्छा आ जाए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अदरक का बेहतरीन स्वाद इसमें आए। कोशिश कर दिए कि आप बॉईल करते वक्त अपनी गैस को मीडियम टू लो ही रखें, हाई फ्लेम पे ना बॉईल करें, इससे चाय आपकी स्वादिष्ट बनेगी। तो 3-4 मिनट बाद पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया है। और इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। 2 कप बना रही हूँ, तो 1 कप पानी और 1 कप दूध। और अब हम इसको दूध डालने के बाद फिर से अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक कि इसमें चाय पत्ती का रंग अच्छा सा ना आ जाए और दूध का कच्चापन खत्म ना हो जाए। करीब 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चाय अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है और मेरा डिज़ायर्ड कलर इसमें आ गया है, और इस वक्त इसमें अदरक की अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब हम इसको छान लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप अदरक डालते वक्त ये छोटे छोटे टिप्स और बातें याद रखेंगे तो आपकी अदरक वाली चाय भी हो जाएगी हिट और फेमस, जैसे कि मेरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।